तो सुना था, वीडियो में देखा था, बाकी अभी रियलाइज करेंगे, सारा फील करेंगे जो भी है। गर्मी की तपिश से दूर हम यहाँ आए हैं हिमालयन क्वीन के पास, क्या बोल सकते हैं इसको, गर्मी की तपिश से दूर पहाड़ों की वादियों में और रानी पहाड़ों की रानी। दिल्ली से कालका की ओर पहुंचता यह शताब्दी ट्रेन पहुंच गया है कालका। अब यहां से हमको जाना है हिमालयन टॉय ट्रेन, जिसका टाइमिंग है 12:10। ऐतिहासिक यूनेस्को विश्व धरोहर कालका शिमला टॉय ट्रेन की यात्रा करना समय में वापस यात्रा करने जैसा ही है। अंग्रेजों द्वारा 1903 में अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला तक पहुँच प्रदान करने के लिए बनाया गया था यह रेलवे। भारत में सबसे सुंदर खिलौना ट्रेन यात्रा प्रदान करता है। आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे देवदार वृक्ष से बना हुआ यहाँ पर ब्रेंचेस हैं, और भारत में सबसे सुंदर खिलौना मतलब टॉय ट्रेन यही है। और यात्रियों को बहुत अधिक उकसाता भी है, क्योंकि यह ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों देवदार के जंगलों से होते हुए धीरे धीरे सकरे ट्रैक के ऊपर क्यों बढ़ता है। मैंने यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं कराया था, तो मैं नॉर्मल टिकट लेता हूँ। टिकट का जो रेट है 50 रुपीज़ है, 50 रुपये है, और मैं यह लेकर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं जनरल बोगी पर बैठूँगा, जो कि बिल्कुल खाली रहता है, और जो मेरे साथ मेरे जो भैया हैं, मेरे जो दोस्त हैं, उन्होंने रिजर्वेशन कराया है, वो अलग बोगी में बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर आगे की ओर बढ़ता जाता हूँ। यह ट्रेन हिमाचल प्रदेश राज्य में है, और यह शिमला कालका को जोड़ती है। इसमें जो टोटल 20 स्टेशन है और 103 सुरंग है और 800 पुल है, एक अविश्वसनीय 900 गुफाओं के माध्यम से 96 किलोमीटर तक चलता है। सबसे लंबी सुरंग जो है 1 किलोमीटर के आसपास फैली हुई है, और यह बरोग के मुख्य स्टेशन के पास ही है, और सबसे शानदार दृश्य बारोग से शिमला तक का ही है। गर्मियों की तपिश से दूर पहाड़ों की रानी कही जाने वाली शिमला, जहां हम बैठे हुए हैं, हिमालयन क्वीन टॉय ट्रेन है। इसे कम से कम 120 साल हो गए हैं बने, 1903 के आसपास बना ये, और ये जो टॉय ट्रेन है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। और यहां आने के बाद कम से कम 103 सुरंगों को पार करके हमको शिमला पहुंचना है। तकरीबन 95 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है, तकरीबन 6 घंटे के आसपास हम पहुंचेंगे शिमला। मगर यहाँ की जो खूबसूरत वादियाँ हैं काफ़ी अधिक मन को मोह दे रही है। वादियों में हमारे एक मित्र मिले हैं साईं, ये गुड़गांव से आए हुए हैं और तरह सफ़र कर रहे हैं। हालांकि आपका पहली बार है, तो कैसे बयां करना चाहेंगे आप? देखो, जैसा कि हमने मतलब सुना है, देखा है वीडियो में, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे जो शिमला है, मनाली है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इनके पहाड़ों में जो बर्फीले पहाड़ होते हैं, इतना सुंदर हवा, यहाँ बस इन्हीं को देखने आए हैं, पहली बार है हमारा। पता चलेगा, देखेंगे कैसा है कैसा नहीं। अभी तक तो सुना था, वीडियो में देखा था, बाकी अभी रियलाइज़ करेंगे, सारा फील करेंगे जो भी है माहौल यहाँ का, यहाँ की हवा, यहाँ की वादियों की जो ब्यूटीफुल सुंदर हवा है उसको रियलाइज़ करेंगे। जहाँ तक तो हम सभी वीडियो में देखते हैं या सुने हैं, मगर हम अपनी आँखों से पहली बार देख रहे हैं, और ये जो अनुभव है काफ़ी अधिक सुखद है। यहाँ आने के बाद हम बस यही एडवाइस देना चाहेंगे आपको कि आप गर्मी की तपिशों से दूर आप यहाँ जरूर आए। शिमला कालका हेरिटेज रेलवे ट्रैक आज पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर इस ट्रैक में पड़ने वाला एक टनल है वो काफ़ी अधिक मशहूर है, जिसे बनाते वक्त एक अंग्रेज इंजीनियर ने अपनी जान दे दी थी। ये इंजीनियर थे कर्नल बड़ोग। इस टनल को हांटेड टनल 33 के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ पर ट्रैक बनाना आसान नहीं था, इसलिए इंग्लैंड से बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए गए, उन्हें इस ट्रैक को बनाने का जिम्मा सौंपा गया। उसमें से एक इंजीनियर थे कर्नल बड़ोग। काम तेजी से शुरू हुआ और अंग्रेज सरकार ने पूरी मशीनरी इस ट्रैक को बनाने में लगा दी। कालका से शुरू हुआ यह काम तेजी से शिमला की ओर बढ़ने लगा था, और कहीं पुल तो कहीं छोटी सुरंगें बनाकर अंग्रेज इंजीनियर और कामगार आगे बढ़ रहे थे। तभी बरोर के पास एक ऐसी पहाड़ सामने आई जो बिना टनल बनाए वहां आगे बढ़ना संभव ही नहीं था, इसलिए पहाड़ को काटते हुए लंबी टनल बनाने का फैसला लिया। कर्नल बड़ोग इस टीम की अगुवाई करने लगे, और दोनों ओर से पहाड़ को
काटना शुरू कर दिया, मगर 1 किलोमीटर से भी लंबी इस टनल का काम बेहद मुश्किल था। टनल दोनों तरफ से आपस में मिल नहीं पाया और कई बार खुदाई करने के बाद भी खर्चा बढ़ता गया, कभी 10 गुना के आसपास बढ़ गया और आखिरकार जो अंग्रेजी सरकार जो थी कर्नल बड़ों को काम से रोक दिया गया। उनको आत्मग्लानी हुई और वो अपने कुत्ते के साथ जाकर वहाँ अपने आप को गोली मार लिए। और बताया जाता है कि इस टनल 33 में आसपास रात को अंधेरे में उनकी आवाज़ या उनकी पुकार सुनाई देती है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम हो यारो नगर है। बेटा आप बजाओ ना, आप बजाओ ना एक बार। घंटे का जो सफ़र है कैसे बीत गया और कैसे हम शिमला पहुंच गए पता ही ना चला। हम शिमला पहुंचकर अब होटल की ओर जाएंगे तो यहां का मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, बारिश हो रही है और इसके बाद हम अपने सामानों के साथ होटल की ओर प्रस्थान करेंगे। जब भी आप शिमला आएँ तो टॉय ट्रेन से आइए, मगर दिन के समय ही आप टॉय ट्रेन से आएँ तो बहुत ही बेहतर होगा। शिमला स्टेशन में आपका स्वागत है, आप भी ज़रूर आइए। ट्रेनों के बारे में जान लेते हैं कि कालका शिमला जो पैसेंजर है मॉर्निंग में 3:30 बजे है, शिमला से कालका की ओर है 3:30 बजे सेम टाइम में ही है। कालका से शिमला रेल मोटर जो है यह 5:25 में है मॉर्निंग में है। नहीं देखते हैं कि शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस है, यह हम इसमें रिटर्न हुए थे 5:45 के आसपास है। कालका शिमला NG एक्सप्रेस भी है, हिम दर्शन एक्सप्रेस है, यह मॉर्निंग में 7 बजे है। उसके बाद देखते हैं कि हिमालयन क्वीन जो बात कर रहे हैं कि 12:10 है और शिमला एक्सप्रेस स्पेशल दोपहर के 1:05 में है।